जो टिपिकल औरतें हैं गांव साइड की, वो कैसे बातें करती हैं इश्यूज के बारे में। मारी वाली ने तो ऐसी धरती की डंका ऐसी आबद कर रखी, उसका निक्कर इतने इतने निक्कर पहने, इतने इतने निक्कर, उसका कुंडल इतना बड़ा और निक्कर इतने। इनकी माओ ने क्या सिखाया है? पता ना जी जी, हम तो हमारा तो नाश पिट गया। लोग बहुत ज्यादा खा रहे शायद सब्जी के पता, बहुत गोलगप्पे खा रहे हैं लोग, आटे वाले गोलगप्पे कभी हाथ नहीं आते। भाई औरतों ने खाने बनाने छोड़ दिए, खाने बनाने छोड़ दिए जी जी। पीछे जाम देखो, पीछे जा रहे हो क्या हाल हुआ पड़ा, यहाँ से आप गए हो? सुबह सुबह भाई उठने के बाद एक बेकार सी न्यूज, बेकार सी मेल देखने को मिली। इसको ये लौंडा आके देखो भाई, बार बार मैं इससे नहीं मिलवाने का इंट्रोडक्शन, क्योंकि तो देखो आएगा ब्लॉग में, इसका तो रोज का है। ठल्ली नहीं है ये तो भाई आता ही रहे, तो बार बार क्या कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन। आज सुन लो, मिस्टर त्यागी नाम है इसका। खैर दिमाग में खराब हो रहा है फिलहाल, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद मेल चेक करी मैंने, 6 मेल मैंने चेक कर ली, वरना बहुत बार हो ना कि हम अपनी मेल चेक नहीं करते। मैं वही सोच रहा था, मेल चेक कर ली मैंने और मेल में लिखा हुआ, मैं सोच रहा कि यार जो यूट्यूब की पेमेंट आती है वो तो क्यों नहीं आई, वरना वो 22-23 तारीख में आ जाती है, आज है 24 तारीख। तो मेल आ रखी है कि भैया आपके बैंक में जाके बात करो और आपके पास 4 दिन का समय है, वहां जाके इस इशू को सॉल्व कर लो कि आपके अकाउंट में क्यों नहीं आ रही। हमने अपनी तरफ से भेज दी, जो वो है गूगल, गूगल ने अपनी तरफ से भेज दी पेमेंट, पर आपके बैंक में दिक्कत है। तो इसलिए फटाफट जा रहे हैं भैया बैंक और जाके पता करते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि भाई पेमेंट आनी बहुत जरूरी है, इतनी मेहनत करता है इंसान तो पेमेंट तो आनी जरूरी है ना भाई, क्यों? तो फटाफट जाके, बहुत पैसा है मेरे पास, पेमेंट जाके पेमेंट चेक करनी है कि क्यों नहीं आई, जाके देखते हैं मैटर क्या है। पीछे जाम देखो, पीछे जा रहे हो क्या हाल हुआ पड़ा, यहाँ से आप गए हो, क्या आफत मच गई आज, यहाँ तक का जाम है। 15 मिनट लग गया, 15 मिनट मतलब सही बताऊँ ना, मुझे फंडनगर में वैसा टाइम लग रहा, मुझे आता हुआ कि जैसे दिल्ली में जाना लगता है ना, दिल्ली नोएडा में धीरे धीरे, धीरे धीरे ये वैसी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे आने के बाद, हर समय जाम ही जाम, जाम ही जाम, या तो जनता बढ़ेगी या व्हीकल बढ़ेंगे, क्या बढ़ गया, सिर में दर्द हो गया। तो अब इसकी छुट्टी नहीं हुई, इसकी मेरे स्कूल की, इसकी छुट्टी जिस दिन हो जाए ना जिस टाइम, फिर क्या बताइए जरा भैया, मैं तो घूम गया इस टाइम हमारे स्कूल छुट्टी होती है जहाँ से पढ़ाऊ मैं, भाई आफत मच जाएगी सड़क में, होने वाली दो महीने तो होने वाले ना, अभी तो हुई नहीं, अभी हो जाएगी ना यार, तो आपस से मच जाए भाई, शहर में गाड़ी से आना मतलब बहुत गलत है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आता, पर ये भाई ले आया गाड़ी, ऐसा पता नहीं क्यों, बाइक बेस्ट है शहर के लिए। चल मैं आ गया, जरा होके बैंक हुआ है हम, ठीक है। उसने बोला भाई ने कि ये तो कल फ्राइडे कल आ जाएगी, वरना फिर 2 दिन छुट्टी है तो मंडे को आएगी, बाकी कह रहे हैं कि नंबर ले जाओ मेरा, कुछ दिक्कत हुई तो फोन कर लेना। और जो मेल है उसमें लिखा है कि 7 दिन बाद रिफंड होगी, तो अभी तो अपने पास 4 दिन का टाइम तो है, तो मंडे तक वेट कर लेते हैं भाई, क्या हो गया अगर मंडे को ना आई तो दोबारा फिर इनको बोलेंगे, क्योंकि 7 दिन तक अगर ये ना आई मेरे अकाउंट में तो वापस गूगल के पास पहुंच जाएगी, मतलब जो यूट्यूबर्स के पास, तो ये मैटर है। चलो खैर, नहीं कहा भैया ये गौरव स्वरूप जी के घर के बाहर भी लगा है, मोदी जी की यही है शान, चांद पे पहुंचा हिंदुस्तान वही करेंगे राष्ट्रीय गान। बाकी ये वाले ब्लॉग नहीं देखा आपने तो कल का देख लेना, इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, 2 हमारे शहर से, जिन्होंने उसमें से एक तो बेटी हमारे शहर की जिसने चंद्रयान को बनाया है, उस बनाने की टीम में थी वो, और एक बेटा है जो है कतौली से, तो 2 साइंटिस्ट है अपने शहर से, उसकी डिटेल इससे पिछले ब्लॉग में दी है, जाके देख लेना ऊपर आई बटन मारा हुआ। बाकी मौसम बड़ा गहरा आज का, चले भाई गर्व, हाँ आज बनानी है मम्मी के साथ रील, बहुत कैटी रील बनाने वाला हूँ, कुछ अलग करने वाला हूँ मम्मी के साथ। फॉलोवर कहाँ बढ़ रहे मेरे, वही तो दिक्कत है, रील तो बना रहा हूँ व्लॉग बना रहा हूँ पर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे ना जैसे बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये शेयर नहीं करते, अगर ये शेयर करते तो बढ़ भी जाए, अगर ये मुझे फंडा करके आदमी को सपोर्ट कर दे थोड़ा सा शेयर करके, सपोर्ट तो करते हैं देखते भी ऐसी बात नहीं, और सब्सक्राइब भी कर रखा पर शेयर नहीं करते, शेयर कर दो, शेयर कर दो यार से, शेयर कर दो नीचे बटन है व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक में। घर चलते हैं फटाफट और माता जी के साथ बनाता हूँ आज एक रील, बहुत ही कैड़ा कॉन्सेप्ट सोचा है अलग सा एक, उसमें मम्मी की भी एक्टिंग है और मैं उसमें कुछ और बनने वाला हूँ। वही रील बनाने की चल रही है तैयारी, घर पहुंच गया था मैं, भाई रील बनने वाली है बहुत ही कैडी, सेटअप वगैरह लगा रहा हूँ उसके लिए, स्टैंड वगैरह, और रील में बनने वाले हैं आज मम्मी और मैं बनने वाले हैं, मतलब मुजफ्फरनगर की जो औरतें होती हैं या मुजफ्फरनगर की जो गांव की औरतें होती हैं टिपिकल गांव की, उनकी बातें क्या होती हैं अपनी बहुओं को लेके, तो उसको लेके एक रील बनने वाली है आज, बाकी आप देख के बताना आपको कैसी लगी। बट उससे पहले एक बहुत ही काम की चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं मेरी तरह, मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने मंगाया मामा अर्थ का
ये ऑनियन हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल में आमला, भृंगराज, आलमंड, जोजोबा ऑयल, बहुत सारे ऑयल इसमें मिले हुए हैं जो आपके बालों को जरूरी प्रोटीन और विटामिन पहुंचाते हैं और उनको झड़ने से रोकते हैं। साथ के साथ ये सिलिकॉन फ्री और ऑब्वियसली ये एक मामाअर्थ का प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं, 100% नेचुरल, नो एंटीऑक्सीडेंट, नो सिलिकॉन जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह बालों के झड़ने की दिक्कत से परेशान हो तो अभी कहाँ भी जाओ, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक करो और अभी ऑर्डर करो। साथ के साथ आपको मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो बाकी वेबसाइट होती है उन पर, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, नायका, सब पे मिल जाएंगे आपको उसके प्रोडक्ट। तो अभी कहाँ भी जाओ और अपने झड़ते हुए बालों को बचाओ भाई, बचाओ। अब बनाते हैं रील। A little longer than a few minutes later. खाना मारा तो बनावे ना बनावे, अपना भी नहीं बनता। एक बोला आगे बैठ रहे लाइट सी स्टैंड पे, अरनु करती रहा उसके सामने, नु घर से मेनु साबुन का पानी करती रहा जी। रोटी तो बनती नहीं, टिक्कर नहीं पत्ते। वो एक मोटरसाइकिल पे वो अटैची से लेकर आया, अब से पूछू भाई तू कहाँ से आया, अजी माटो से आया, माटो माटो। दो काम जी जी, बाहर का खाना मंगा लो और फोन पे कुंडल तो जी इतने बड़े पहन रहे, मारी वाली ने तो ऐसी धरती की डंग ऐसी आबद कर रखी, उसका निक्कर इतने इतने निक्कर पहनने, इतने इतने निक्कर, उसका कुंडल इतना बड़ा और निक्कर इतने। इनकी माओ ने क्या सिखाया पता ना जी जी, हम तो हमारा तो नाश पिट गया। 24 घंटे तो उसी माँ से बात करती रहे, 24 घंटे कभी भाई थे, कभी बहन थे, कभी माँ थे, ट्यूशन चले वो पूरे ट्यूशन। अरे एक दिन की और बात सुनो, अरे एक और आया उधर, देखो तो क्या खोल के मुंह पे लगाया, बिल्कुल काला। मन ने कहा वो क्या लगा दी तू, काला काला तार कौन सा मुंह काला करवा वे। हाँ तार कौन तो भाई सड़क पे चिपका चिपका में। मम्मी जी ये तार कोल ना, ये चार कोल है। चार कोल अब क्या पता, चार कोल आठ कोल क्या आने लगे। मैं समझ गई जी जी, ये वही आइटम है कि सिक्कर में मारा लड़का था, उसके यहाँ पे थी एक तरह को तंग का मेरे हाथ पर रखा था, पर जब सही आई घर में उसके हाथ में जा गया सारा पैसा, इन्हीं चार कुल्लम हो रहा है, चार कुल्लम। तो भाई लोग बहुत ज्यादा खा रहे शायद सूजी के पता, बहुत गोलगप्पे खा रहे हैं लोग, आटे वाले गोलगप्पे कभी हाथ नहीं आते भाई। और तो खाने बनाने छोड़ दिए, खाने बनाने छोड़ दिए जी जी, वही बात जी जी। तो ये हमारी रील थी, कैसी लगी बताना जरूर देख के, हम सोच रहे हैं कि इसको और बनाएं, मतलब ऐसी चीजें और बनाएं अच्छी लगे तो बताना। अगर ये ऑडियंस हमारी पसंद करेगी हाँ कमेंट करना, तो ऐसे ऐसे और इश्यूज पकड़ेंगे हम टॉपिक, जो हमारे मुजफ्फरनगर की जो टिपिकल औरतें हैं गांव साइड की वो कैसे बातें करती हैं इश्यूज के बारे में। और बाय द टाइम जब घर की दो औरतें अपनी वीडियो बना रही थी तो घर के मर्द गोलगप्पे ले आए हमारे लिए, पापा गोलगप्पे लेके आए हैं, तो अब क्यों ना गोलगप्पे पार्टी हो जाए। ये देखो जरा ये सूजी वाले गोलगप्पे कौन खाता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक के, पता नहीं क्यों लोगों को पसंद है। मर तो मजबूरी है, पापा को आटे वाले मिले नहीं, आटे वाले खत्म हो जाते हैं शाम तक। इसमें एक तो ये मुंह में घुल जाते हैं, करारा पन नहीं है इसमें। हाँ वही तो, आटे वाले में लग मजा है, वही वही। अब जो है वैसे तो हमारे आगे चाट गोलगप्पे का तोड़ नहीं है मुजफ्फरनगर की, पर फिर भी क्या करें, खाने पड़ेंगे अब सूजी वाले। चाट साहब सब सामने देख के सब ऐसे क्यों बोलते थे, है ना, मेरे भी बोलते आपको देख के आ रहा ऐसे तो शुरू होते हैं। दिक्कत तो है, एक खा के देखते थे, क्योंकि इसका नाम चाट है। किसी ने आज सोचा है इसका चाट क्यों करते हैं, इसको चाटते हैं तो इसलिए इसका नाम है चाट। भले ही सूजी वाले हैं पर पानी इतना अल्टीमेट है। किस यहाँ का है ये? जगदम्बा, जगदम्बा चाट। रूपवती, ए रूपवती खाना खुआ दे, रूपवती नाम रख दूंगा आपका, नाम रखना पड़ेगा अपने दूसरे का अगर ये सब करना है तो। ये थे हमारी भाई, हमारी बूढ़ी औरतों की रील, इनका नाम रूपवती, मेरे क्या रख रही जगवती, रूपवती और जगवती का, या और कुछ नाम सजेस्ट करना है तो नीचे कमेंट में सजेस्ट करना। और इनके और भी आपको देखनी है बातचीत तो भाई इंस्टाग्राम नीचे लिखा रहा मुकुल अनवील, जो इंस्टाग्राम पे वहां फॉलो कर लो। बाकी ट्राई करूंगा कि एक मिनट के अंदर का बनाऊं, जैसे कि यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी डाल सके, वरना ब्लॉग में डाल देंगे और क्या होगा। इसी के साथ भाई करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सबसे मेन शेयर करना है, शेयर मुजफ्फरनगर की जो औरतें हैं उनको दिखाओ कि देखो ऐसे ये बदतमीजी कर रहे हैं, दो लोग मिल गए आपके एक्टिंग उतार रहे हैं। आपसे मिलते थे अगले ब्लॉग में कल, और कल में जाने वाला हूँ एक अलग जगह हमारे मुजफ्फरनगर में, बहुत दिन से कोई मंदिर का ब्लॉग नहीं आया, तो हमारे मुजफ्फरनगर जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है जो देश में बाकी सिर्फ दो जगह है और तीसरा हमारे यहाँ बन रहा है, हाईवे पे है, तब तक गेस करो कौन सा होगा। अभी बन ही रहा है वो, बहुत दिनों से मैं निकलता पड़ता देख रहा था, तो मेरा मन था बनाना क्योंकि बहुत बड़ा विशालकाय बन रहा है, उसके अंदर एक बन रही गुफा,
तो कल उसका व्लॉग बनाया जाएगा स्पेशल, क्योंकि बहुत दिन से मंदिर का व्लॉग नहीं बनाया। अभी कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा उसके बारे में, पता नहीं होगा उसके बारे में ना, उनका नाम सुना होगा माता का, नाम तो जानते हैं लोग, इन्हें नहीं पता कि अपने मुझे अपने घर में बन रहा है। आप लोगों ने भी वो देखा होगा निकलते बढ़ते, और आपको रहा होगा दिमाग में कि कौन सा मंदिर बन रहा है ऐसे इतने दिन से इतना बड़ा, तब तुम्हारा भाई दिखाया कल जाके। तो आज के ब्लॉग का यही बंद करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बता ही दिया मैंने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।